बेटा गणेश, इधर इसकी दवाई रखी है, जल्दी से दे इसे। जमीले जल्दी पानी लाओ। बेटा आराम से, बस अभी ठीक हो जाओगी तुम, परेशान मत हो बेटा। जल्दी 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 जल्दी, ये लो बेटा, ये लो, उठो उठो, शाबाश, दवाई खाओ। शाबाश शाबाश मेरा बेटा, शाबाश मेरी बेटी, लेट जाओ, आराम करो। तुम यहां खड़े होकर क्या कर रहे हो सईद? प्लीज चले जाओ यहां से। ठीक है, बस आराम करो तुम। मैंने तुम्हें बताया था ना पहले कि उसके साथ कुछ प्रॉब्लम है, कभी कभी उसके साथ ये सब हो जाता है। मतलब उसे तुम माफ कर देना। अरे नहीं नहीं, कैसी बातें कर रहे हैं आप? मैंने जानबूझ के कुछ भी नहीं किया है, बस मैं भी थोड़ा परेशान था। परेशान होने की जरूरत नहीं है, थोड़ा आराम करेगी तो ठीक हो जाएगी खुद ही। दरअसल ये पूरी सिचुएशन मुझे समझ आ रही है, या नहीं, गणेश तुम्हें पसंद करती है, ये सब नजर आ रहा है मुझे। इसमें किसी का कोई कसूर नहीं, ना तुम्हारा, ना जोहरा का, और ना गणेश का। लेकिन जरूरी है कि क्या है बताइए मुझे। कोई भी खुद से अहम नहीं होता, असल में हमेशा दूसरा इंसान ही हमें अहम बनाता है। सईद, कराकिया एक बहुत ही अमीर और एक बहुत ही ताकतवर फैमिली है, और तुम सिर्फ सईद हो, क्योंकि तुम्हारे पास दौलत नहीं है और ऐसी कोई चीज नहीं है जिस पे रिलाय करो, और इसलिए तुम्हें मेरी जरूरत पड़ेगी। तो ये पार्टनरशिप डील है? हाँ, तुम इसे डील कह सकते हो, जब तुम्हारी हिम्मत, तुम्हारी बहादुरी और तुम्हारी ईमानदारी मेरी ताकत और मेरी दौलत में शामिल होगी तो हम मिलके बड़ी से बड़ी ताकत को शिकस्त दे सकते हैं। और आपकी बेटी गणेश? गणेश सईद, मैं तो ये चाहूंगा कि तुम पार्टनर बनने के बजाय मेरे दामाद बन जाओ, लेकिन तुम्हारे साथ कोई जबरदस्ती नहीं है। मैं जाके गणेश को देखता हूं।